जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी अभी क्षितिज अस्पताल के पास जो भी गाड़ियां हजारीबाग एंट्री कर रही हैं उनको रोका जा रहा है और टैक्स वसूला जा रहा है। यहां पे एक बोर्ड लगाया गया है, नगर निगम द्वारा आदेश प्राप्त व्यवसायिक वाहन से प्रवेश चुंगी वसूली जा रही है। आइए जानते हैं क्या है मामला और किस तरह का टैक्स वसूला जा रहा है यहाँ पे। देखिए, इस तरह से ऑनलाइन करके यहाँ पे टैक्स वसूला जा रहा है। आइए जानते हैं ये टैक्स का क्या है मामला और क्यों यहाँ पे निकाला जा रहा है। हाँ भैया, ये क्या है, ये जो टैक्स आप लोग ले रहे हैं क्या है? 10 रुपये तो 10 रुपये चेंज वाले दे रहे हैं। रो है दो साल, बस एक मिनट भैया। इसका वाला काटा सेल्फी ले गया आपको। अरे थोड़ा यार बात कर लो तो पहले यार, भैया बताइए थोड़ा। हाँ, किस चीज़ का बता रहे, एक मिनट रुक जाइए, हमको आप कर लिए। अरे तो कोई तो बोल। हाँ, ये किस चीज़ का टैक्स लिया जा रहा है? नगर निगम का है। हाँ, ये है आपका नगर निगम का टैक्स है। नगर निगम द्वारा है, आदेश प्राप्त है। मतलब किस रीजन, क्या मतलब किससे लेंगे, क्या लेंगे, कितना लेंगे, क्या लेंगे, ये सब गाड़ी का आपके चार्ट बना हुआ है नगर निगम से, हम लोग को चार्ट मिला हुआ है। हाँ चार्ट है, चार्ट है आपका, ऑनलाइन कट रहा है सब रसीद। देखिए जितना लड़का लोग काट रहे हैं ऑनलाइन काट रहे हैं। कोई भी गाड़ियाँ आ रही है, जैसे व्यवसाय गाड़ी जो भी है वो गाड़ी का लगा है। ट्रक बस भी आएंगे? हाँ, ट्रक भी आ रहे हैं, बस भी आ रही है। और कितना चार्ज किया जा रहा है? जैसे बस का है 24 आवर में 100 रुपए। 24 आवर में 100 रुपए? हाँ। और ट्रक का? ट्रक का सर हम उतना तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि चार्ट है उसका। 140 है, 140। हाँ, 140। वो टायर वाइज है, जैसे चार चक्का का, टेम्पू का नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। मिल्क वाहन ये सब का कुछ कर लिया नहीं जा रहा है। हाँ। कुछ कुछ गाड़ी का है जो नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, तो ये कब से स्टार्ट हुआ? आज से स्टार्ट हुआ। हाँ। इसका कोई नोटिस है आप लोग पास? ऐसा आया है? हाँ, नोटिस आया है। वहाँ पे चिपका हुआ है? नहीं, नोटिस यहाँ चिपका नहीं हुआ अभी। वो हम लोग जैसे देखिए जो कंपनी ली हुई है वही कंपनी है। पीएल सरोज राजप्पा टाइस रविंद्र पर वही है। ठीक है, आप लोग अधिकारी हैं नगर निगम के? नहीं, हम लोग अधिकारी नहीं है, हम लोग इनके द्वारा अपॉइंटमेंट किए हुए हैं। इस कंपनी के द्वारा आपको अपॉइंट किया गया? हाँ जी जी। अच्छा, हाँ हो गया तो। हाँ, जैसे इस गाड़ी का कितना आप काट रहे हैं? 40 रुपये। 40 रुपये? और 40 रुपये में कितना दिन रहेगा? मतलब 24 घंटा। 24 घंटा का 40 रुपये, कल फिर आएगा तो फिर कटेगा? फिर कल कटेगा 24 घंटा का। और सबको ऑनलाइन ये पर्ची दिया? ऑनलाइन टोटल। हाँ। उसके बिना किसी को नहीं? नहीं। हाँ, ठीक है। तो ऑनलाइन पर्ची काटा जा रहा है यहाँ पे, जो भी व्यावसायिक गाड़ियाँ हैं, बस या फिर ओवरलोडेड या फिर लोडेड ट्रक जितने भी हैं उनको रोका जा रहा है यहाँ पे। और रजरप्पा कोई ग्रुप है जिसने पीएल सरोज रजरप्पा टायर्स रविंद्र पथ, ऐसा इनके द्वारा ये लिया गया है टेंडर, ऐसा बता रहे हैं। और जो भी गाड़ियां अब हजारीबाग में एंट्री कर रही हैं, बस या फिर व्यावसायिक जो गाड़ियां हैं, उनसे टैक्स वसूला जा रहा है। ये हम लोग खड़े हुए हैं, जैसे ही आप NH 33 से हजारीबाग शहर की तरफ उतरते हैं तो यहाँ पे इनका एक नगर निगम के द्वारा जो कंपनी ने लिया है, एक चोंगा वहाँ पे खड़ा कर रही है टैक्स वसूलने के लिए। और यहाँ पे जितने लोग हैं इनके अधिकारी हैं वो टैक्स लेने के लिए खड़े हुए हैं और टैक्स वसूला जा रहा है। कह रहे हैं कि बस से 100 रुपया लिया जा रहा है और जो भी इस तरह की गाड़ियां हैं उससे 40 रुपया लिया जा रहा है और 24 घंटे तक वो मान्य किया जा रहा है। छोटे मोटे जो ऑटो रिक्शा हैं उनसे नहीं लिया जा रहा है, प्राइवेट गाड़ियों से नहीं लिया जा रहा है। और जो भी ले रहे हैं वो उनके पास हैंड वो बिल है, वो बिल निकाल के दे रहे हैं, बिना बिल के आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। क्योंकि बिल में डेट और टाइम प्रिंट हो जाएगा, उससे ये पता चल जाएगा कि आप 24 घंटा के लिए ये इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो यही है ये नया जो टैक्स सिस्टम आया है, इसके बारे में नगर आयुक्त से भी हम लोग बात करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये जो नया टैक्स आया है हजारीबाग शहर घुसने के लिए ये कब से है और इसकी सूची कब जारी की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं फैज अनवर।
एक बार कैमरामैन को बोलूंगा दिखाएं किस तरह से यहाँ पे रोका जा रहा है। स्टार्टिंग से ही जैसे शुरू से आ रहे हैं तो यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है, उसके बाद यहाँ पे अंदर जाने के लिए जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको रोका जा रहा है और उसके बाद फिर ये सिस्टम बनाया जा रहा है। और इसके वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक में भी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पूरा एक कतार जो है वो रोक दिया जा रहा है यहाँ से। और यहाँ पे जब बोर्ड लगाया जा रहा है टैक्स के लिए तो ये जो एक सिंगल लेन जो पुल था, सिंगल लेन पुल था, ये पूरा पूरी तरह से जाम हो जा रहा है। जो भी लोग उधर से आ रहे हैं उनको डाइवर्ट होके रॉन्ग साइड चलना पड़ रहा है। ये एक व्यवस्था करनी पड़ी लोगों को क्योंकि एक ही पुल में दोनों एक साइड जा रहे हैं तो थोड़ा सा व्यवस्था यहाँ पे मतलब उतना टाइट नहीं दिख रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस जो राइट में पुल है क्षितिज हॉस्पिटल के बगल में, उसमें दोनों तरफ से अब लोग आना जाना कर रहे हैं। कायदे से दो पुल है जिसमें लेफ्ट और राइट साइड से जाना चाहिए, तो ये ट्रैफिक नियमों का भी उल्लंघन यहाँ पे हो सकता है अगर व्यवस्थित नहीं किया जाए बहुत जल्द इस टैक्स सिस्टम को। और टैक्स सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यही है, पीएल सरोज यहाँ पे बोर्ड लगाया गया, आज से ही ये बोर्ड लगाया गया है और नगर निगम द्वारा आदेश प्राप्त यहाँ पे लिखा गया है कि व्यावसायिक वाहनों का टैक्स। देखिए आप किस तरह से रॉन्ग साइड में ये ऑटो और कार वाले जा रहे हैं इस भीड़ के वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं फैज अनवर, मेरे सहयोगी तमीम फैजी के साथ, जोहार हजारीबाग।